हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे बैंगन के मसाले वाली सब्जी, जिसके लिए मैंने छोटे छोटे वाले बैंगन लिए हैं और इसको चीरा लगा के चेक कर लिया कि कोई कीड़ा तो नहीं है। उसके बाद तेल गरम किया और तेल में डाल दिए हैं अपने जो छोटे छोटे से बैंगन, मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं एक व्यक्ति के हिसाब से, और ये नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको ढक के हम लोग पका लेंगे कम से कम 5-10 मिनट, और ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद इसको हम लोग सब्जी बनाएंगे। तो तेल में यहाँ खड़े मसाले मैंने डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, तेज़पत्ता, और फिर मैंने यहाँ पे प्याज कट करके डाल दिए, और हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने पे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। तो देख सकते हैं एकदम गर्मा गर्म एकदम जो है पिंकिश कलर का हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे टमाटर काट के डाले हैं, इसमें नारियल का बुरादा और मूंगफली डाल के तीनों को पीस लिया। तब तक यहाँ पे जो प्याज है वो लाल हो रही है, और उसके बाद ये जो पेस्ट है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही मस्त कलर आ गया है। और इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड करी है, धनिया का पाउडर, और साथ में थोड़ा सा जीरा का पाउडर और गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। फिर इसमें नमक ऐड कर देंगे, और ये देखिए मसाला मस्त से एकदम पक गया है, और देखिए तेल छोड़ने लगा है, मतलब ये अच्छा पक गया है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। पानी हम लोग अपना जितना हमने मसाला रखा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, और मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाला है। और उसके बाद जो बैंगन हमने फ्राई करके निकाले थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको पका लेंगे। तो ये पकाने के लिए यहाँ पे आप 10 से 15 मिनट, अगर आपको लगे अभी भी अच्छे से नहीं हुआ है तो 20 मिनट तक आप इसको अच्छे से पका लो। तो यहाँ पे मैंने धीमी आंच में ढक के इसको पकाने के लिए रख दिया है। देख सकते हैं बहुत ही यमी लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे मसाले जो हैं वो लगभग हो गए हैं, और इतना कम हो गया, ये बन के रेडी हो गई हमारे बैंगन की।